मलिक साहब, एक एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहती हूँ, प्लीज मुझे दो चार जुमले कह देने की इजाजत दीजिए, बिकॉज ये जिस तरह से ये केस बनाए गए थे उसको ये कहना कि जी अब उसी तरह से केस खत्म हो रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि नामुनासिब है। बिकॉज ये केस किस लिए बनाए गए थे ये आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। अब वो केसेस जो सियासी इंतकाम पे बनाए गए, आखिर उस इंतकाम को कहीं तो खत्म होना है। मुझे हैरत है, मैं बहुत सारे लोगों के ये स्टेटमेंट सुन रही हूँ कि जी या नैब उस वक्त गलत थी या नैब अब गलत है। किसको नहीं पता कि उस वक्त नैब गलत थी, किसको नहीं पता कि उस वक्त जो है ये एक पूरा प्लान था। आखिर शौकत सिद्दीकी जैसे जजों के घर जा जाकर रिक्वेस्ट एवे तो नहीं की जा रही थी ना कि अपील में हमारी सजा जो है वो जाया ना होने देना। और फिर जो मैं गुजारिश कर रही थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो तीन केस बनाने का हुक्म दिया गया था ना, उसमें अल अजीजिया का केस शामिल है। और वो जीआईटी के हीरे जिस प्यार मोहब्बत से इकट्ठे किए गए थे ना, उनके जो कोहेनूर थे उनमें से वाजिद ज़िया साहब, उस कोहेनूर की सिर्फ प्रिजम्पशन के ऊपर, उसके एनालिसिस के ऊपर अल अजीजिया जो है वो तैयार हुआ है। ये इस बात को तो खुदा के वास्ते देखिए कि कोई ना वो असासे के वो मालिक थे, ना आमदन से ज्यादा असासे का केस बनता था। और हमने इसके ऊपर अर्शद मलिक की वीडियो का सारा नहीं लिया।